बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का जवाब नहीं है। चार दिन तक बच्चों के लिए प्रतियोगिता हुई और आज मैं बता दूं अभिभावकों के लिए एक मनोरंजक कार्यक्रम हो रहा है। जब समापन समारोह हो रहा है तो बच्चों की जो मम्मियां यहां पर हैं उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं इन मम्मियों को चम्मच दी गई है, उसमें नींबू रखा गया है और ये स्पून रेस होगी। इस चम्मच को मुँह में रखकर नींबू डालकर ये दौड़ेगी। जो महिला सबसे पहले नींबू सही चम्मच लेकर वहाँ फिनिश लाइन पे पहुँचेगी वो विजेता रहेगी। आप देख रहे हैं सबके हाथ में, आप देख रहे हैं मुंह में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चम्मच है और इसमें नींबू रखा गया है। इनको दौड़ना है, नींबू मुंह में रहना चाहिए एंडिंग लाइन तक। आप देख रहे हैं इस रेस में सात महिलाएं खड़ी है, मुँह में चम्मच है और चम्मच में नींबू है और दौड़ने के लिए तैयार है। जो चम्मच में नींबू लेकर फिनिश लाइन तक पहुँचेगी वो विजेता रहेगी। फिनिश लाइन है जहाँ पर मिश्रा जी खड़े हैं। विशल बजने के साथ ये रवाना हो जाएंगी। सात महिलाएं आप देख रहे हैं जिनके मुंह में चम्मच और चम्मच में नींबू है। स्पून रेस शुरू हो रही है। और विशल बजने की तैयारी है और इंतजार भी इन महिलाओं को। और ये रेस शुरू हो चुकी है, अभी तक किसी का नींबू गिरा नहीं है, सभी सेफ हैं अभी तक, अच्छा बैलेंस है सभी का। और एक महिला बाहर हो चुकी है और ये आगे आ रही है अभी तक। इन दोनों में अच्छी टक्कर है। अनिता जी तोदी प्रथम रही है, आपका रेनू जी तोदी सेकंड रही है, अनिता जी तीसरे स्थान पर रही हैं। और देख रहे हैं अब तक बच्चों के लिए तालियां बज रही थी, आप बच्चे अपनी मम्मियों के लिए तालियां बजा रहे हैं। बहुत रोचक प्रोग्राम है और मम्मियां बहुत पसंद कर रही है। अब तक बच्चे जो खेल रहे थे तो मम्मियां तालियां बजा रही थी, आज जब मम्मियां खेल रही है तो उनके बच्चे तालियां बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनः ये महिलाएं तैयार है, मुंह में आप देख रहे हैं चम्मच है, चम्मच में नींबू है और सब देख रहे हैं आप, देख सब तैयार हो चुकी हैं। ये दौड़ शुरू की, अभी एक दौड़ हो चुकी है जिसमें तीन महिलाएं विनर उपविजेता और विजेता रही और अब आप देख रहे हैं अन्य सात महिलाएं दौड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार पुनः स्पून रेस शुरू हो रही है, अगली सात प्रतियोगी आप देख रहे हैं तैयार स्पून रेस के लिए। देख रहे हैं एक बार पुनः ये सात प्रतियोगी तैयार हैं, सभी ने चम्मच अपने मुंह में रख लिए हैं और चम्मच में नींबू है और विशल का इंतजार है। विशल बजने के साथ ये दौड़ पड़ेंगी। और रेस शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं चम्मच दौड़, एक महिला बाहर हो चुकी है और ये सबसे आगे आ रही है और अब इन्होंने बढ़त बना ली है। ये विनर है, ये सेकंड है और तीसरा स्थान दोनों में से है। संगीता जी शर्मा विनर रही है, सुनीता जी कुलारी उपविजेता रही है, कथा जी खिलेरी ये इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये तीनों जीती है। कंचन जी शर्मा रही है, माफी चाहता हूँ, तीसरे स्थान पर। जवाब नहीं है प्रिंसिपल मधु जी का, सबका दिल जीत लिया इन्होंने, अभिभावकों का भी। मैंने अभी कहा था कि बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का जवाब नहीं है, बच्चों के लिए प्रतियोगिता हुई, अभिभावकों के लिए प्रतियोगिता हुई तो टीचर्स के लिए भी प्रतियोगिता है। आप देख रहे हैं स्कूल की टीचर्स, महिला टीचर्स 100 मीटर दौड़ के लिए तैयार हैं। इनकी 100 मीटर की दौड़ अब यहाँ पर शुरू हो रही है। देख रहे हैं BBIS की टीचर्स 100 मीटर रेस में भाग ले रही हैं और 100 मीटर रेस शुरू हो रही है और ये आप देख रहे हैं टीचर्स दौड़ पड़ी है और ये सबसे आगे जा रही है और ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों तीन स्थान पर रही है। सुनीता जी प्रथम स्थान पर रही है, गौरी जी दूसरे स्थान पर रही है और राखी जी चौहान तीसरे स्थान पर रही है। दौड़ का फाइनल हो रहा है, जो तीन तीन विजेता उपविजेता और तीसरे स्थान की पर रही थी वो छह महिलाएं अब फाइनल में दौड़ेगी। दो लीग दौड़ हुई थी जिनमें तीन तीन जो प्रथम द्वितीय तृतीय वो सब छह प्रतियोगी अब दौड़ेंगी और ये रेस फाइनल रेस शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं काफ़ी तेजी से चल रही इस बार सभी और मैम तोती मैम आगे, वो गिर गई है, उनकी उनका नींबू गिर गया था पहले ही, ये प्रथम रही है।
ये सेकंड सुनीता जी कुलरी विजेता रही है फाइनल रेस में चम्मच दौड़ में। सुनीता जी तोदी सेकंड रही है और रेनू जी तोदी तीसरे स्थान पर रही जो पहले विजेता रही थी। और बच्चे आप देख रहे हैं मम्मियों के लिए तालियां बजा रहे हैं। महिलाओं की अवार्ड सेरेमनी हो रही है जिन्होंने चम्मच दौड़ प्रतियोगिता में तीनों स्थान प्राप्त किए हैं। विजेता सुनीता जी को आप देख रहे हैं ट्रॉफी प्रदान की गई है। सेकेंड में सुनीता जी जो सुनीता तोदी जी हैं उनको आप देख रहे हैं ये ट्रॉफी दी गई है। तीसरे स्थान पर रेणु जी तोदी रही हैं। तीनों अभिभावक महिलाओं को आप देख रहे हैं अवार्ड प्रदान किए गए हैं।